कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से। कहाँ से आई? कर्नाटक गुलबर्गा। कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए। अपने जान पे खेल के हम जनता का जान बचा सकते हैं, अपने हक के लिए हम लड़ भी सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे है, झारखंड के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में, ICDS में जो आम आदिवासी महिला है और इतना कुपोषण का शिकार है, उनके बच्चे गर्भ में मर रहे हैं, जो पैदा होते मर रहे हैं, उनके लिए जो ICDS में आवंटन है, खाने के लिए पैसा है, महीनों तक अभी दिया नहीं। तो ये इसको लेके जो है मोदी जी खुद बताए कि यही आदिवासी का उत्थान है, यही महिला का उत्थान है। ऑर्डर दिया है बीजेपी की मंत्री ने, सब लोग जो है कांवड़ यात्रा निकाल के शिवालय में जलाभिषेक करो। तो सारे तो हिंदू है नहीं, और फिर भी क्या है, पैसा तुमने देना नहीं है क्या? भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं? लोगों का निवाला नहीं जाता है। ये बेटी बचाओ हो या पोषण अभियान हो, इसमें प्रचार अभियान चल रहा है और लोगों के लिए पैसा का कटौती हो रहा है। आज के दिन साहू जी महाराज ने 50% दलित पिछड़ा आदिवासियों को नौकरियों में 50% आरक्षण दिलवाया था, लेकिन आज जिस तरीके के हालात हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मनुवादी सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। हम जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां पर आंगनवाड़ी महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही हैं, देश भर की महिलाएं यहां पर जमा हुई हैं और इनकी डिमांड है कि इनको परमानेंट कर्मचारी माना जाए। हालांकि ये लोग कोरोना में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, आशा वर्कर ने काम किया, उसके बावजूद भी इनको परमानेंट कर्मचारी का स्टेटस नहीं था, लेकिन अब ये लगातार जो है देश भर की महिला जंतर मंतर पर जमा हुई है और इनकी डिमांड है कि इनको जो है परमानेंट कर्मचारी माना जाए। इसके अलावा भी और कई सारी डिमांडें हैं, वो इनसे सुनेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या आखिर इनकी मांगे हैं और क्यों देश भर की महिलाएं आज जंतर मंतर पर आई है। क्या नाम है आपका? मनीषा निकेसर। क्या नाम है? मनीषा निकेसर। कहाँ से आई हैं आप? महाराष्ट्र से। क्या डिमांड है, क्या करने आई हैं आप? हमारा पेमेंट बढ़ा है, कितने से छोटे बच्चों तक, गर्भवती महिलाओं का हम सब कुछ करते हैं, किशोर वही मूली का भी करते हैं, तो हमको पेमेंट ज्यादा होना। आज 8,000 रुपए हमारी तनख्वाह है, 8,000 रुपए में क्या मिलता? अभी तेल का भाव बढ़ गया, सबका भाव बढ़ गया, सब्जी बढ़ गई, सब बढ़ गया, 8,000 रुपए में कुछ नहीं होता, हम घर नहीं चला सकते, हमारा पगार भी नहीं होता दो चार महीनों तक, 8,000 रुपए में कुछ। आप किस में काम, आंगनवाड़ी में काम करती है या आशा वर्कर है? आंगनवाड़ी में काम करती हूँ मैं, आंगनवाड़ी की सेविका हूँ, महाराष्ट्र से गढ़चिरौली जिला। तो क्या 8,000 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा? नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, 8,000 रुपए में क्या होता, कुछ नहीं होता। मोदी जी तो कहते हैं कि हम जो है महिलाओं को सिलेंडर भी देते हैं और राशन भी देते हैं, उसके बाद महंगाई में क्या दिक्कत है? सिलेंडर है, आज सिलेंडर का भाव कितना बढ़ गया है, आज 1100-1200 रुपए सिलेंडर हो गया है, फिर राशन देते हैं, हम राशन तो बांटते हैं ना, फिर गैस सिलेंडर का भाव बढ़ गया, हमको ईंधन खर्च सिर्फ 2 या 3-4 रुपए में मिलता है। आपका क्या नाम है? मंदा केशव मडाय। कहाँ से आई? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से। तो क्या डिमांड, क्या समस्या है? पेमेंट नहीं मिल रहा। और इसके अलावा और कोई समस्या है? चलिए और भी महिलाएं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? रेशमा पटेल जी। रेशमा कहाँ से आई? कर्नाटक गुलबर्गा। कर्नाटक गुलबर्गा। क्या क्या डिमांड है आपकी? कुछ नहीं, हमारे को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोल के बोले है ना, शिक्षा के बोल के करना बोल को, और जितना महंगाई हो रही है उतनी पगार नहीं है हमारी, महंगाई के हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है, पगार घटती जा रही है हमारी, वो रोज का जो खाने को लगता है उसके हिसाब से तो पगार चाहिए ना हमारे को, इसके वास्ते यहाँ पे सब जने के बोला की इकट्ठा वैसे। अभी कितना मिलता है? अभी कितना मिल रहा है? अभी हमारे को 10,000 मिल रहा है, घर का खर्चा नहीं चल पा। 10,000 में क्या चलता है? मोदी जी कहते हैं कि हम जो है सिलेंडर देते हैं फ्री में, राशन फ्री में, 1100 है सर सिलेंडर का रेट, घर का 1100, आंगनवाड़ी को 1100, हर साल गैस का बिल भी नहीं होता हमारे पास,
एक एक साल गैप होते जाता है, ऐसा होने के बहुत सारे प्रॉब्लम है सर, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं हमारे पास। आपका क्या नाम? सुमित्रा कट्टी। कहाँ से आई? गुलबर्गा जिला जेवरगी तालुक। बताइए क्या कह रही थी आप? क्या क्या बोल रहे थी आप? क्या भी नहीं, ज्यादा काम कर लेते, वो सैलरी वत्ता नहीं है, ज्यादा सब ज्यादा हुआ रेट, वो हमारे को सैलरी ज्यादा करना, मेजोरिटी करना, 15,000 भी करना हमारा पगार, ये है हमारा 15,000। क्या अभी जो है आपकी जो तनख्वाह है बहुत कम है, अभी जो तनख्वाह है सैलरी वो कम है, इसके अलावे और क्या समस्या है? कुछ नहीं, परमिट करना, आंगनवाड़ी शिक्षक बोल के घोषित करना, उतना चोर कुछ जितना स्केल चाहिए उतना स्केल नहीं है सर। यूकेजी एलकेजी को हमारे को अटेंड करना है, बल्कि हमारे को आंगनवाड़ी शिक्षक जैसा टीचर से गवर्नमेंट टीचर से उसी तरह हमारे को यूकेजी एलकेजी बच्चों को पढ़ाने के लिए दे तो बहुत हेल्प होता है सर। वो अभी इसके अंदर बहुत सारे लफड़े हैं, लेकिन सब लोगों को दिखे आता है बोल के कुछ भी आमदनी तो कुछ भी नहीं है, जितना काम करती हूँ उतना कुछ भी है नहीं, कोई ज्यादा हुआ पगार कम है, ज्यादा काम हुआ पगार कम है। काम आप लोगों ने कोरोना में काम किया? अरे सब लोग काम करे, सब आंगनवाड़ी टीचर सब 4-5 जने मर को भी गए, उनको क्या भी नहीं दिए, हमें जीत को लाया था तो मोदी आया ना, हमें अभी भी देखना उनको भी हमारा की देखे तो उनको भी अच्छा, हमारा को भी जरा अच्छा से पगार होना, उनको वही पूछने आई हूँ। हाँ। तो आप देखिए अंदाजा लगा सकते हैं, महाराष्ट्र से, गुलबर्गा कर्नाटक से और तमाम राज्यों से यहाँ पर महिलाएं हैं, और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। देखिए हमारे साथ और भी महिलाएं हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम गुजरात से आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमीला। तो क्या समस्या है, क्या डिमांड है, क्यों मोदी जी के खिलाफ धरना दे रहे हैं? के खिलाफ हमें इसीलिए धरना किया है कि हमारे गुजरात में बहुत सारा काम आंगनवाड़ी वर्करों के सर पे रोक दिया गया है, और इसके सामने से सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, और सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक वो हमको काम से गिरा रखता है, चालू ही रखता है, और इसके सामने हमको किराया कम देते हैं, और वो सगर्भा धात्री के हमारे लिया है ना, तो प्रथम सगर्भा और प्रथम धात्री को दिया, और हमको सभी को सर्वे किया करवाया और सभी को फॉर्म भरवाया, अब वो सब लाभार्थी को बोलते हैं कि अभी उसको मत देना, वो लाभ हम देते हैं ना, वो लाभ MSY का लाभ मत देना है, ऐसा बोलता है, और हमने सभी को फॉर्म भरवाया, अभी हमारे पास सभी सगर्भा और सभी धात्री हमारे के पास आती है तो वो बोलते हैं कि हमको कोई क्यों नहीं देते हैं, ऐसा बोलते हैं, और हमारे पास सैलरी भी बहुत कम देते हैं, हम सैलरी बढ़ाने के लिए यहाँ पे आए। तो मोदी जी प्रधानमंत्री खुद गुजरात से है और वहाँ पे CM भी रहे हैं वो 15 साल, क्या उस टाइम पे उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, सैलरी नहीं बढ़ाई उस वक्त तो किया था काम, लेकिन अभी नहीं किया है, और सभी मोंगवारी भी बढ़ा दी है, वो मोंगवारी कैसे लाएंगे, कैसे खाएंगे, और बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, बसों के पढ़ने के लिए भी कितनी महंगाई कर दी, वो इतने सारे 7,000 पगार में कैसे वो बहने कैसे घर चला पाएगी, चला नहीं पाती है, और बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसके पास अभी पैसे नहीं है। देखिए देश भर से महिलाएं यहाँ पर जमा हुई है, पीछे आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरा जो है देश भर की महिलाएं जो आंगनवाड़ी कर्मचारी है वो यहाँ पर आए, उनकी डिमांड है कि उनको जो है कर्मचारी माना जाए, इसके अलावा उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो ये महिलाएं अपनी जिंदगी में जो है फेस करती हैं, तो ये आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। हमारे साथ AR सिंधु है जो महासचिव, उनसे बात करेंगे। मैम क्या आज के मुद्दे हैं, क्यों महिलाएं देश भर की महिलाएं जंतर मंतर को जमा हैं? देश भर के आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर आए हैं, तो इनका जो है ज्वलंत मुद्दा है कि इनका तनख्वाह इतना कम है, और तनख्वाह भी नहीं सरकार बोलते हैं, और वो भी 5-6 महीने से कई जगह नहीं मिल रहा है, क्योंकि भारत सरकार का ये योजना है ICDS, वो सरकार
हर साल में इसके बजट में भारी कटौती भी हो रहे हैं, और वो कटौती को चलते हुए कि वो आंगनवाड़ी में ना बच्चों का खाना टाइम पे मिलता है, उसके लिए पैसा नहीं है, और इसमें ये भी नहीं मिल रहा है कि वर्कर हेल्पर के तनख्वाह भी नहीं मिल रहा है, तो ये है। और उसका जो है अभी तक जब भी हम मांग करते थे और ना कोई पेंशन या सोशल सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था, तो हम यही बोलते थे कि वो बोले कि उसमें सरकार बोलते थे कि सुप्रीम कोर्ट बोलते कि इनको कर्मचारी नहीं बोल सकते, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि इनको ग्रेच्युटी का जिम्मेदारी ये हक है, उनको ग्रेच्युटी दिया जाए और इनका तनख्वाह भी बढ़ाया जाए। ये सरकार का आदेश जो 3 महीना हो गया अभी वो नहीं लागू हो रहा है। जब हमारे खिलाफ कुछ है तो उसको लागू तुरंत हो जाता है। और ये भी नहीं कि ये सरकारें जो वादा करते, जैसे दिल्ली का, हरियाणा के सरकार जो पैसा बढ़ाने का, और उसको लागू करने के लिए हम मांग करके सड़क में आते हैं, तो बड़े पैमाने पर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है और उनको नौकरी से निकाल दिया जा रहा है। दिल्ली के अंदर आज भी 991 आंगनवाड़ी वर्कर पर टर्मिनेटेड है, हरियाणा के अंदर 975 को टर्मिनेट किया गया था, अभी थोड़ा आंदोलन के बाद में वापस लेना शुरू किया है। इसका मतलब है कि ना कुछ हमारा बुनियादी अधिकार दो, ना बच्चों का बुनियादी अधिकार दो, और जब हम उसके लिए आवाज़ उठाए हमारा कोई जनवादी अधिकार ही नहीं बचेगा कि आंदोलन भी कर नहीं सकते, संगठन नहीं बना सकते। तो ये कोई तानाशाही रवैया के खिलाफ में है, और ये पहले ही हम सीधा इधर आए ऐसा नहीं है, हम बार बार नीचे में राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से, मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से मिला है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं है, कोई नहीं है, कोई भी लागू करने का साफ मना भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो है कि हम लोग ये दिखाना चाहते हैं पूरे भारत के लोग जो है जनता में ये सेवा पहुँचाने वाले, कोरोना के लिए ड्यूटी किया है, कोरोना काल में जो है काफ़ी आंगनवाड़ी वर्करों का मृत्यु भी हो चुका है, एक पैसा भी कोई रिस्क अलाउंस नहीं दिया, उनका मुआवजा तक आज तक नहीं दिया। तो ये अपने जान पे खेल के हम जनता का जान बचा सकते हैं, अपने हक के लिए हम लड़ भी सकते हैं। पूरे ऑल इंडिया से लोग यहाँ पे है, ये सरकार नीति बदलो और हमारे नौकरी पक्का करो, न्यूनतम वेतन और पेंशन ग्रेच्युटी लागू करो, और 45वां श्रम सम्मेलन जो है उसका भी सिफारिशें है कि ये करना चाहिए, जहाँ मालिक, सरकार, मजदूर सब मिलके ये तय किया है, वो 2013 में तय किया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। तो यही हमारी बुनियादी मांगे है, उसको लेके हम आए हैं, और हमारा कोशिश है कि सरकार के वार्ता करे, सरकार मिले, हमारे कुछ समाधान निकाले, अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले दिनों में और अपना आंदोलन को तेज करना पड़ेगा। क्या लगता है कि मोदी जी एक तरफ दावा करते हैं कि हम महिला हितैषी हैं, एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है, वहीं दूसरी तरफ देश भर की महिलाएं संसद के पास घेराव करती हैं? आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट बनाने का तो अच्छी बात किया है, लेकिन जो उसके लिए जो झारखंड के अंदर में, उड़ीसा के अंदर में, ICDS में जो आम आदिवासी महिला है और इतना कुपोषण का शिकार है, उनके बच्चे गर्भ में मर रहे हैं, जो पैदा होते मर रहे हैं, उनके लिए जो ICDS में आवंटन है, खाने के लिए पैसा है, महीनों तक अभी दिया नहीं, तो ये इसको लेके जो है मोदी जी खुद बताए कि यही आदिवासी का उत्थान है, यही महिला का उत्थान है। और चार उत्तराखंड के अंदर में, उत्तराखंड के अंदर पिछले फरवरी से लेके पोषक आहार का पैसा नहीं दिया, और ऑर्डर दिया है बीजेपी की मंत्री ने, सब लोग जो है कांवड़ यात्रा निकाल के शिवालय में जलाभिषेक करो, तो सारे तो हिंदू है नहीं, और फिर भी क्या है, पैसा तुमने देना नहीं है क्या, भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं? तो ये ही कोई उद्धार नहीं है, और ये है, ये भी नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए, और ये मोदी जी का प्रचार के लिए 80% उसका बजट गया है, लोगों का निवाला नहीं जाता है, ये बेटी बचाओ हो या पोषण अभियान हो, इसमें प्रचार अभियान चल रहा है और लोगों के लिए पैसा का कटौती हो रहा है, जो 2250 रुपये महीने में कोई कोई आदिवासी महिला जिंदा कैसे रह सकते हैं, तभी तो महिला का उत्थान होगा जब न्यूनतम वेतन वहाँ लागू होगा और पेंशन लागू होगा, ताकि लोग भूखे जो भीख मांग रहे 35 साल 45 साल आंगनवाड़ी में काम करते हुए, कलकत्ता के अंदर एक वर्कर का मृत्यु हो गया है, भूखे मरी है सड़क में, और जो है भीख मांग रहे लोग कि कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं है, तो यही नौबत है कि ये मोदी जी का उत्थान का और महिला सशक्तिकरण का, तो ये नहीं है
कि आम जनता के लिए योजनाएं उनका बुनियादी अधिकार लागू करो, ये संविधानिक अधिकार है, खाने के अधिकार, न्यूनतम वेतन के अधिकार, संगठन बनाने के अधिकार और जो शिक्षा के अधिकार, वो सारे ही ICDS वर्कर मांग रहे हैं आज। क्या मैम आपके पास कोई आंकड़ा है, जैसे हरियाणा में बात आई कि आंगनवाड़ी जो वर्कर्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, ऐसा कोई आंकड़ा है जहां पर जो आंगनवाड़ी जो कर्मचारी हैं उनको सस्पेंड किया गया हो? हरियाणा के अंदर 975 आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर को टर्मिनेट किया गया। बड़ा आंदोलन जो है चलाने के बाद में उनसे 600 से कुछ लोगों को वापस लिया है, बाकी का बोल रहे कि करेंगे। दिल्ली के अंदर ESMA लगाया गया और ESMA के बाद में लोगों ने ड्यूटी ज्वाइन किया, उसके बाद 991 लोगों को निकाल दिया और आज तक एक को भी वापस नहीं लिया। और ये आम आदमी पार्टी का सरकार है, आम आदमी का बात करते हैं लेकिन इतना तानाशाही रवैया अपनाते हैं, उसमें कोई पार्टी का भेद नहीं है, BJP हो या आम आदमी हो या कांग्रेस हो, ये तीनों जो है आंगनवाड़ी का विरोध में काम करते हैं और जो है सरकार के खिलाफ ये जाएंगे, क्योंकि ये आम जनता का बुनियादी मुद्दा भी उठा रहे, इसीलिए वो लोग इनको डराना और ये आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। उसके हिसाब से केंद्र सरकार ने एक आदेश भी निकाला है कि इनका आंदोलन को करने नहीं दो करके, तो इसका ये है नतीजा है। तो ये ऐसा जो बाकी जगह में गुजरात के अंदर 2 दिन का ऑल इंडिया का आम हड़ताल के लिए जो है 36 लोगों को नौकरी से निकाल देने का नोटिस दिया गया, लेकिन वहाँ पे आंदोलन किया CITU का यूनियन तो वापस हुआ है लोग, तो यही हालत है। मैम अब जो बात चल रही है कि आंगनवाड़ी को ठेके पे दे दो या NGO के जरिए चला, तो उससे तो मतलब फ़ायदा होगा ऐसे लोग कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी अच्छे है, क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी पर आरोप लगता है कि वो काम करने में ढिलाई बरतते हैं। सरकारी कर्मचारी अगर काम नहीं किया तो ये कोरोना का लड़ाई कैसा किया, कौन किया? अगर ये देश की जो ये भूखे खुद भूखे थे, खाना नहीं था, आंगनवाड़ी वर्कर आशा कर गए थे तभी तो कोरोना से मुक्ति हो गया, लोगों का घर में खाना रेशन कैसे पहुंचा, ये सरकारी कर्मचारी ने नहीं किया या स्कीम वर्कर ने नहीं किया, तो ये तो आरोप है। और यहाँ पे ये बात आप NGOकरण का या और निजीकरण का किया, बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनी का हवाले कर रहे हैं ICDS को कि उनका प्रचार हो जाए, उनका ठेका कर्मचारी हम हो जाए। और ये भी नहीं, अभी बजट कटौती किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने बोला है कि तुम आंगनवाड़ी केंद्र में मटका लगा दो और गांव से उसके अंदर धान इकट्ठा करो और वो बेचो और लोगों को खिलाओ। और अभी है वहाँ पे और हरियाणा के अंदर बोला है कि आंगनवाड़ी का गोद लेने के लिए स्पॉन्सर ढूंढो, तो ये इसका मतलब है तुम्हारा कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर तो लोग अपना स्पॉन्सर, हर एक इंसान अपना स्पॉन्सर ढूंढे, तो ये NGOकरण है, तो इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं, ये हम करने नहीं दे। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से सरकार लगातार, चाहे युवा हो महिला हो, सब त्रस्त है महंगाई से, प्राइवेटाइजेशन से, लेकिन सरकार तस्से मस होने के लिए तैयार नहीं है। हम इस वक्त मौजूद थे जंतर मंतर पर, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ मोहम्मद फैसल, जनित आवाज़, दिल्ली।